नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम साधारण ब्याज को समझेंगे। तो चलिए हम साधारण ब्याज को समझते हैं। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि पहले तो आएगा पी। पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, यह मूलधन होता है। ठीक है, जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहते हैं। इसी पे जो भी कैलकुलेशन होगी इसी पे होती है। ठीक है, तो यह हमारा मूलधन हो गया। इसके बाद होता है रेट, जिसको आर से डिनोट करते हैं, वो होता है रेट। रेट यानी कि किस दर से हमने उससे पैसा उधार लिया या किसी को हमने पैसा उधार दिया, तो रेट हो जाएगा। फिर इसके बाद होता है टाइम, कितने टाइम के लिए यानी कितने समय के लिए हमने वो पैसा लिया या दिया, तो ये होता है समय। और इन सब के बाद एक की आती है, वो होता है अमाउंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, और इनके कैलकुलेशन से निकलता है एसआई, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, इन टर्म को हम यूज करते हुए अपने साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब यह सारी चीजें तो आपने समझी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी आर और टी, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम, तीनों को हम गुणा कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो वह निकल आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब हम इसका यहां गुणा कर देंगे तो P गुणा R गुणा T बराबर क्या निकलेगा, एस आई गुणा 100। ठीक है, तो पी आर टी बराबर क्या हो गया, एस आई गुणा 100। अब हमें यदि P निकालना हो यानी प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस आई गुणा 100 बटे R गुणा T। अगर इसमें से R निकालना हो तो एस आई गुणा 100 भागे P गुणा T, और अगर टाइम निकालना हो तो एस आई गुणा 100 भागे P गुणा R। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमने यह तीनों फॉर्मूले भी बनाए हैं, प्रिंसिपल रेट और टाइम। ये तीनों फॉर्मूले हमने इसी फॉर्मूले से निकाले हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटे 100, और इसी को सोल्व करके यह तीनों फॉर्मूले निकल आए। अब एक चीज और आई थी यहाँ पर, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो अमाउंट, अमाउंट किसको कहते हैं, जो पैसा हमने किसी को दिया और उसके बाद जो हमें उस पर ब्याज मिला, तो हम जो पैसा दिया था और ब्याज को जोड़ दें तो वह बन जाता है अमाउंट। तो पैसा क्या दिया था हमने, पैसा दिया था पी, जिसको कि मूलधन माना था, प्लस इसमें जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यह मिश्र धन बन जाएगा। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन पर जो ब्याज मिला उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूलों की मदद से हम अपने सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम एक प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि आरएस 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पी यानी कि मूलधन क्या है, मूलधन है 4000। ठीक है, दर 10% वार्षिक ब्याज की
दर से। तो दर क्या है, यानी रेट बराबर 10%। दो वर्ष का तो टाइम क्या निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 2 वर्ष। उसने क्या पूछा, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमें एस आई निकालना है। ठीक है, जो जो दिया था वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास एस आई का फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुड़ा आर गुड़ा टी बटे 100। पी क्या है 4000, आर क्या है 10%, वर्ष किए हैं 2 भागे 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 × 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 800 रुपये। यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया, 800 रुपये। इसी में हम अगर हमसे मिश्रधन बोल देता तो हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देते तो हमारा मिश्रधन निकल आता। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।